अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है व्हाट इज़ माउस, माउस क्या है। हमने पिछले लेक्चरों में पढ़ा था कि थोड़ा सा डिस्कशन किया था हमने माउस के बारे में कि माउस क्या होता है। हमने कंप्यूटर में माउस का ये काम देखा था कि माउस जो है ना ये इनपुट डिवाइस होती है, जिसमें हमने कीबोर्ड भी हमने देखा था कि कीबोर्ड और जो माउस होते हैं ये इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ नॉन एन पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस से ये मुराद है कि ये फॉर एग्जांपल हमने एक माउस लिया, पॉइंटिंग डिवाइस से ये मुराद है कि जब हम माउस चला रहे होते हैं तो एक सर्कल कर्सर जो है ना चल रहा होता है उस पर स्क्रीन पर, तो उसको हम जो है ना पॉइंटर कह सकते हैं। कोई एक छोटा सा निशान होता है जो एरो या एरो सा वो यूज़ हो रहा होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज़ यूज टू गिव एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होती है। कीबोर्ड और माउस का काम ही यही है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, इनके बगैर कंप्यूटर का गुजारा नहीं है। उसके बाद आता है माउस बटन, लेफ़्ट बटन है, स्क्रॉल बटन है, राइट बटन है। जिसमें हमने लेफ़्ट बटन ये देख लें भी, ये माउस है, ये इसका है राइट, ये है लेफ़्ट। राइट हम जब यूज़ करते हैं मतलब किसी हमने एक पूरा फोल्डर ओपन करना है ना, जब हम माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शंस आ जाते हैं, इनको आपने ओपन करना है या रीनेम करना है या जो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो ये मेन्यू ओपन करने के लिए यूज़ होता है। मेन्यू ओपन करके जिस चीज़ को सेलेक्ट करना है, और जो लेफ़्ट वाला होता है ना हमारा ये वाला, इसको हम क्लिक करते हैं तो जो भी हमने सेलेक्ट करना होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद स्क्रॉलिंग का ये लिखा हुआ है कि स्क्रॉलिंग क्या है। स्क्रॉलिंग आपको बताई थी, ये जो होती है ना ये स्क्रॉल होता है, मतलब भी एक फोल्डर है आपका, वो 400-500 आपकी पिक्चर उसमें पड़ी हुई हैं। डेस्कटॉप पे तो तकरीबन 30-35 ही दिखाई देंगी, बाकी जो हैं वो नीचे होती हैं, तो वो स्क्रॉल करते हैं वो नीचे आपकी तस्वीरें आती जाएंगी। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ माउस, कितनी टाइप्स का होते हैं माउस। माउस बेसिकली वायरलेस और वायरलेस होते हैं और वायर वाले होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वायरलेस है, ज़्यादातर यूज़ जो होते हैं वो वायर वाले नहीं होते, वो वायरलेस वाले यूज़ होते हैं। ये वाला जो है ना ये मॉडर्न दौर के आजकल के ये यूज़ होते हैं, इसकी रेंज भी बहुत काफ़ी है। वायर वाले जो होते हैं वो पुराने दौर के थे, वो अब यूज़ नहीं होते, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ यही होते हैं। थोड़ी सी कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है, लेकिन बेहतर ये हैं, अच्छे ये लगते हैं, ये जो है ना फास्टली काम करते हैं। तो ये आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं।